अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं एजी इनक्यूबेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एजी हमारी कंपनी का नाम है जो कि एग्स मशीन मेकिंग हम एग्स मशीन बनाते हैं। और मेरे दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। दोस्तों ये एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया था एसीडीसी इनक्यूबेटर का, 3035 एग्स का ये इनक्यूबेटर है, जिनका नाम जैन खान है और जिनका ताल्लुक एक हंगू के छोटे से कस्बे से है। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था और ये हमने आज उनको डिलीवर करना है। तो इसका फीचर मैं आपको बता दूं, ये एसीडीसी बेस्ड पे है, ये बैटरी से चलता है और ये वापडा यानी कि लाइट से चलता है, बिजली से चलता है। दोस्तों इसके जो फंक्शन है, इसके मेन दो फंक्शन है। सबसे इसका जो मेन फंक्शन ये है कि जैसे आपके घर में लाइट होगी, बिजली आएगी, तो ये इनक्यूबेटर बिजली पे चलेगा और जैसे बिजली चली जाएगी तो ये उसी वक्त शिफ्ट हो जाएगा बैटरी के ऊपर। अगर आपने इसके साथ बैटरी लगाई होगी तब ये बैटरी से चलेगा। दूसरा ये क्लियर कर दूं, मुझे यूट्यूब पे भी काफ़ी यानी कि क्वेश्चन आते हैं और मुझे कॉल्स भी आती हैं, क्या इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, इन्वर्टर बैटरी को चार्ज नहीं करता। इसके लिए बैटरी चार्जिंग के लिए आपको अलग से मार्केट से बैटरी चार्जर लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी का चार्जर लेना चाहते हैं वो हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे इनक्यूबेटर कॉस्टली ज़रूर होते हैं, लेकिन उनमें एक बात मैं आपको कर दूं कि इंशाल्लाह जो चीज़ आपको दिखाएंगे वो चीज़ आपके इलाके तक और आपके पास पहुंचेगी, और फीडबैक्स और इनक्यूबेटर के जो रिजल्ट हैं वो आप दोस्तों के सामने पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं और माशाल्लाह अभी भी कुछ ना कुछ आएंगे क्योंकि वीडियो वगैरह हमारे पास पड़ी हुई हैं। काम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वीडियो जल्दी हम अपलोड नहीं कर सकते, तो इसलिए। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ, इस इनक्यूबेटर की तरफ। आज मैं इनक्यूबेटर का आपको बताऊंगा कि इनक्यूबेटर यूज़ कैसे करते हैं। तो इस इनक्यूबेटर के कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूं, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो ये जी इनक्यूबेटर एसीडीसी है। अब इस वक्त ये जो चल रहा है ये वापडा के ऊपर चल रहा है, यहाँ से आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आएगा। तो बहुत दोस्तों की एक फरमाइश थी कि यार आप वीडियो के सामने क्यों नहीं आते, कैमरे के सामने क्यों नहीं आते। दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं, काम करना होता है तो इसलिए टाइम इतना नहीं होता। आज एक थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा चले यार आज कैमरे के सामने आ ही जाते हैं। मेरी पहले भी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, दोस्तों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे चैनल के ऊपर पहले भी वीडियोस थोड़ी सी पड़ी हुई हैं, बस क्या है कि आपको पता है जैसे इंसान मसरूफियात में गुजरता है तो फिर ये वीडियो पेज के ऊपर आना सब भूल जाता है। तो इसलिए सरसरी सरसरी वीडियो बनाते हैं कि यार दोस्तों को हमें पता चले। इंशाल्लाह मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं छुपाता कि यार ये चीज़ ना दिखाएं, ये चीज़ ना दिखाएं। इस वीडियो में मैं आपको साइज़ भी बताऊंगा इनक्यूबेटर का और ऑर्डर करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं हमें। दोस्तों ऑर्डर करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, सबसे पहले आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, कमेंट्स वगैरह पे मैं पूरी डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन एक कस्टमर होता है ऐसी नहीं है कि वो हमें कॉल करे और डील डन हो जाए, ऐसे नहीं होता। कस्टमर के बहुत हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस का जवाब देना कमेंट्स में बात लंबी हो जाती है, बाद में बात बने या ना बने। इसीलिए हम व्हाट्सएप पे इसलिए उसको कहते हैं, कॉल पे इसलिए करते हैं, वो दो टोक में बात करते हैं भाई आपको इनक्यूबेटर चाहिए, भी चाहिए, ये मॉडल्स हैं, हम आपको इतने का रेट का ये चीज़ देंगे, ये चीज़ नहीं देंगे। हमारा काम दोस्तों ऑर्डर का होता है इसलिए हम रेट्स नहीं लिखते। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको सेम यही चीज़ चाहिए होती है, उनका रेट्स हम उनको बता देते हैं कि इनका ये रेट्स है। तो ऑर्डर करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने हमें इनक्यूबेटर की कैपेसिटी बताना होगी, भाई इनक्यूबेटर हमारी ये कैपेसिटी है। दूसरा ये इलाके का नाम बताना होगा। दूसरा आपको ये बताना होगा कि आपको चाहिए कब तक। कुछ दोस्त होते हैं यानी कि उनको चाहिए होता है, मैं चस्का पार्टी बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये चस्का पार्टी है, ये है वो है, वो हर किसी का अपने का दिल होता है, उनका भी दिल होता है यार, वो पूछते हैं चले उनका टाइम पास हो जाता है। तो यही होता है कि जिनको लेना चाहता है और जिनको लेना चाहिए वो रब्ता किया करें। बाकी ये होता है कि इन दोस्तों को चाहिए होता है लेकिन 2-3 महीने के बाद बस वो रेट्स ले रहे होते हैं और पूरी डिटेल बता देते हैं, हम ये इनक्यूबेटर चाहिए, ये इनक्यूबेटर चाहिए। कुछ ऐसे हमारे प्यारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि हम आपको अभी पेमेंट लगवाने लगे हैं तो बंदा गैब, पेमेंट दूर की बात बंदा गैब,
एक कम से कम आप हमें रिप्लाई तो दें। बहरहाल ये तो बहुत सारी बातें होंगी अगर मैं इस बातों पे आऊँ तो ये होता है कि ऑर्डर करने का तरीका ये होता है कि आप हमें एक कैपेसिटी बताएं, दूसरा ये बताएं कि हमें चाहिए कब, आपको इनक्यूबेटर कब चाहिए, उसी हिसाब को देख कर फिर हम आपको बता सकेंगे। क्योंकि मेरा जो इनक्यूबेटर है, मैं कस्टमर से 3 से 4 दिन का टाइम लेता हूँ, 30, 40, 50 या 100, 200 अंडों वाला जो इनक्यूबेटर होता है बनाने को आए, एक दिन में इनक्यूबेटर बना के आपको सेंड कर सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि हम आपको एक मयारी चीज़ दें, क्यूसी यहाँ से हम इनक्यूबेटर जो है वो पास करके टेस्ट करके फिर हम आपको अपने प्यारे कस्टमर को डिलीवर करेंगे, तभी यानी कि अच्छा होता है। तो हमें आप एक कैपेसिटी बताएंगे, उसके बाद हमें ये बताएंगे आपको कब चाहिए इनक्यूबेटर। दूसरा ये है कि एडवांस पेमेंट आपने हमें लाजमी सेंड करनी होती है। तो जब इनक्यूबेटर आपका कंप्लीट हो जाता है, इनक्यूबेटर की वीडियो हम कस्टमर को भेज देते हैं, भी आपका इनक्यूबेटर रेडी हो चुका है, अब जो बकिया पेमेंट रहती है वो आप हमें सेंड करें, आपको इनक्यूबेटर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और दोस्तों को मिला भी है। हमारी जो सर्विस है, सर्विस ये है कि इंशाल्लाह ऑर्डर कंफर्म होने से लेकर इनक्यूबेटर में जब तक चिक्स नहीं हैच होते तब तक हम उस कस्टमर के साथ हैं 24 घंटे में। जब भी वो कॉल करें इंशाल्लाह उनकी कॉल रिसीव करेंगे। अगर हम कहीं मसरूफ़ हो जाते हैं तो बाद में, अगर कोई कस्टमर, न्यू कस्टमर, हमारा जो परमानेंट कस्टमर होते हैं जो हमसे चीज़ लेके चले जाते हैं, वो भी हमसे अगर व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे उनको रिप्लाई ज़रूर हम देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से चीज़ गई और आप कौन और मैं कौन। तो चलते हैं जी, बहुत बातें हो गई हैं, तो चलते हैं अब इस वीडियो की तरफ। तो मैं इसको आपको करीब के ले जाता हूँ, कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो को छोटा, लंबा बड़ी हो गई है, वीडियो को मज़ीद छोटा करने के लिए ये मैंने आपको वायरें बता दी हैं कि जो रेड कलर की प्रॉब है ये लगानी है पॉजिटिव के ऊपर, जो ब्लैक कलर की है ये आपने लगानी है बैटरी के नेगेटिव के ऊपर। ये 50 एम्पीयर की बैटरी है, रियल में जो बैटरी होती है पानी वाली, तेजाब वाली बैटरी होती है, जो उसके ऊपर लिखा होता है 50 एम्पीयर, वो रियल में 50 एम्पीयर नहीं होता। इसको हम कंसीडर करेंगे 35 एम्पीयर, 35 से 40 एम्पीयर। तो चलते हैं जी इसके करीब, तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ये जनाब इनक्यूबेटर है ACDC, ये आप देख लें प्रॉब्स मैंने लगाई हुई हैं। ये अभी इस वक्त चल रहा है वापडा के ऊपर, ये वापडा के ऊपर चल रहा है। ये जैसे मैं यहाँ से बटन इसको ऑफ करूँगा ये शिफ्ट हो जाएगा बैटरी के ऊपर, ये छोटी सी लाइट ऑन होगी, ये आप अगर आपको नज़र आ रही है तो ये देखें जी, ये छोटी सी लाइट आपको नज़र आ रही होगी, ये बैटरी पर चलने का इंडिकेशन है कि अब आपदा चली गई है, तो ये बैटरी पर चल रहा है। बल्ब इसलिए इसका ऑन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कमरे का टम्परेचर हाई है, इसलिए यहाँ पे 38 आया हुआ है। तो मैं इसको जैसे थोड़ा सा ठंडा करता हूँ, ठंडा करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जैसे टम्परेचर नीचे आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये इसका बल्ब ऑन होता है। दोस्तों इसके नीचे आपने रखना है पानी का बाउल, ये इसके नीचे पानी का बाउल रखा जाता है, और ये एग्स हैं। एग्स को मूव करने का जो तरीका होता है ये इस तरह, आपने एग्स को मूव करवाना होता है, ये सुबह शाम आपने ऐसे करना होता है, और इनक्यूबेटर का दरवाज़ा यहाँ से बंद कर देना होता है, और यहाँ से बटन जैसे मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, ये जी शिफ्ट हो गया वापडा के ऊपर, ये शिफ्ट हो गया बैटरी के ऊपर, बल्ब इसलिए बंद हो गया, टम्परेचर कम्प्लीट हो गया। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके ऊपर रब्ता करके हमें ऑर्डर दे सकते हैं।